Hello, you all, my lovely buddies. A very warm welcome to you all on this platform. I am your English educator, Pooja Sharma, and I have class 12th key second book, Vistas Book, the second chapter, The Tiger King. The name itself says what? We will talk about The Tiger King, and you know that actually actual, पर्सन है जो कि टाइगर किंग के नाम से जाना जाते हैं क्योंकि वो टाइगर को एज अ पेट रखते हैं और इवन टाइगर भी उनके साथ में बहुत हम्बली रहते हैं सो लेट्स नॉट गो देयर बट टू स्टिक टू द चैप्टर हमारा जो चैप्टर है द टाइगर किंग व्हाई इट इज़ सो इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इट टीचर्स अस ये सारी चीजें वन शॉर्ट वीडियो में आपको मिलने वाली है इन दिसन आई अर्थ टू यू ऑल की लास्ट तक बने रहिएगा एंड डेफिनेटली गेट टू नो मोर थिंग स्टिल द लास्ट और गेट टू नो कौन है हमारे इस चैप्टर के ऑथर सो वेन वी टॉक अबाउट द टाइगर किंग हमारे दिमाग में एक ही पिक्चर आती है कि या तो टाइगर है जो किंग है या किंग है जो टाइगर है that मीनस वर्ट कि हम हमेशा टाइगर को एज किंग रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन ये जो हमारी स्टोरी है वो थोड़ी सी हटके हैं इस स्टोरी के जो राइटर हैं उनका नाम क्या है रामस्वम्या मूर्ति ओके तो जब हम इनके बारे में बात करते हैं इनको एक फेमस पेन नेम पेन नेम मींस व्हाट क्या होता है पेन नेम पेन नेम का मतलब है फॉर द नेम ही इज रीनोड पेन नेम को आप सीडो नेम भी कह सकते हैं एक सीडो नेम के से भी ये लोग जाने जाते हैं उस सीडो नेम को क्या कहते हैं पेन नेम कहते हैं तो हम अगर बात करें हमारे राइटर की तो उनका नाम क्या था कलकी ओके एंड ही इज वेरी मच फेमस ही

स्टोरीज लिखी हैं वन ट्वेंटी शॉर्ट स्टोरीज इन्होंने लिखी हैं अराउंड टेन नॉवेलट लिखे हैं फाइव नॉवेल्स लिखी हैं थ्री हिस्टोरिकल रोमांसेस एंड सम एडिटोरियल्स एज वेल और पोलिटिकल राइटिंग्स क्योंकि ये उस वक्त इंडिपेंडेंस में इंडिपेंडेंस टाइम पीरियड पे थे तो इन्हें दिखता था व्हाट इज़ हैपनिंग इन द इंडिया इन इंडिया और वहां पे लीडर्स का क्या रोल रहा है एंड व्हाट शुड बी देयर तो इस वजह से इन्होंने पॉलिटिकल राइटिंग्स भी बहुत सारी लिखी थी बायोग्राफीज भी लिखी है ट्रेवल लॉग्स भी लिखे हैं एंड हंड्रेड ऑफ फिल्म एंड म्यूजिक रिव्यूज ऑल्सो तो ये सारा हमने जाना हमारे ऑथर कलकी के बारे में जब हम बात करते हैं उनके पास में स्किल टू टेक द रीडर इन द टाइम्स ऑफ द स्टोरी विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट अगर आपको ये

प्रतिबंधन पुरम की बात की जाती है प्रतिबंधन पुरम की बात की जाती है कि वहां महाराजा ऑफ प्रतिबंधन हीरो ऑफ द स्टोरी कौन है टाइगर किंग इनको टाइगर किंग कहा जाता था अब देखो टाइगर किंग किसे कहा जा सकता है अगर इन जनरल uh, हम बात करें तो टाइगर किंग कैन भी जिनके या तो पैट हो बहुत सारे टाइगर्स या उन्होंने बहुत सारे टाइगर्स को आ, टेम कर लिया है टेम करना मतलब कि उनको अपना पालतू बना लिया है है ना डोमेस्टिकेट करके रख लिया है घर में रख लिया या तो उनको टाइगर किंग कहा जाता है लेकिन यहां जो ये यह स्टोरी है इसके अंदर टाइगर किंग इसलिए नहीं कहा गया है इन्हें इनको टाइगर किंग कहने की वजह कोई और थी ओके एज सुन एज ही वॉज बॉन्न जब इनका जन्म हुआ था एक एस्ट्रोलॉजर जैसे हमारी मम्मा वगैरह भी क्या होता है कुछ भी अच्छा काम करना होता है शुभ काम करना होता है उससे पहले एस्ट्रोलॉजर के पास में जाते हैं या बच्चे का जन्म भी होता है तो डेफिनेटली हम एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिष के में जाते हैं, बोलते हैं कि भाई इनका नाम, इसका नाम किस अक्षर से girl, हमारे में तो बहुत होता है, होके रहता है यही लाइफ का मेरा मोटो uh, है, कि जो जो होना है कितना भी कुछ भी कर लो जो लिखा है वो होके ही रहेगा एंड आई होप कि आपको जब ये स्टोरी समझ में आ जाएगी तब आपको ये रियलाइज होगा कि थिंग्स विच आर रिटर्न

Told, he predicted, he uh, told the future. तो so, उन्होंने foretold क्या? यानी कि पहले ही बता दिया। क्या बता दिया about the future that one day एक दिन ऐसा आएगा कि the tiger king would actually have to die कि ये tiger king को मरना पड़ेगा and who would be the reason? Tiger only कौन reason होगा उनकी death का? Tiger तो tiger king जाना जाता है tiger को टेम करने के लिए टाइगर को मार देने के लिए यहाँ पे ही इज नॉट नोन फॉर दी लाइक गुड पर्पस कोई गुड पर्पस नहीं है उनके पास में उन्होंने बहुत सारे टाइगर्स को किल किया है दैट्स वाई ही इज कॉल्ड एस टाइगर किंग बट एस्ट्रोलॉजर ने एक बार बस ऐसा भविष्यवाणी कर दिया एंड आफ्टर दैट उन्होंने बोल सकते हैं कि ईगो पे ले लिया या फिर उन्होंने ये तरीके का मुहिम निकाल लिया दैट आई विल फाइंड आउट एज मनी एस टाइगर आई कैन और कोई टाइगर मुझे नहीं किल कर सकता अब क्या होता है एट दी एंड लेट्स नो सी जब हम बात करते हैं इसके बारे में तो जब जब जन्म हुआ दैट मींस वेन ही वॉज बोर्न दर कि वो दस दिन के थे days, like hyperboli. Hyperboli क्या होता है कि कोई चीज को बहुत बड़ा चढ़ा करके बोलना दस दिन का बच्चा तो बात भी नहीं कर सकता है ही इवन कैन लाइक ही इवन कांट ब्रीद प्रॉपरली कि कैसे ब्रीद करना होता है और वो सारी चीजें भी नहीं आती बट हियर एग्जाम्पल दिया गया है लिखा हुआ होता है ना किसी के घर पर कुत्ते होते हैं डॉग्स होते हैं सॉरी तो वो क्या लिखते हैं uh, सावधान रहो तो यहां पर ही थे तब ही टाइगर किंग ने बोल दिया था दैट इन्फेंट दैट लेट द टाइगर्स बी अवेयर कि अब सावधान हो जाना चाहिए टाइगर्स को बिकॉज मैं आ रहा हूं टाइगर किंग आ रहा है ओके दैट वॉज सेड सो ही वॉज रीज इन रोयालिटी बाय ड्रिंकिंग द मिल्क ऑफ अ व्हाइट बाय अ नैनी एंड वॉचिंग इंग्लिश फिल्म सो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं डेफिनेटली तो इनका अपब्रिंगिंग बहुत अच्छा हुआ था नैनी तो रखती थी और इंग्लिश मूवीज वगैरह देखते थे ऐसा बताया गया वेन द क्राउन प्रिंस जब ये जो क्राउन प्रिंस है वट इज द मीनिंग ऑफ क्राउन प्रिंस दैट मीन्स कि उन्हें पता होता है कि अभी ये प्रिंस है लेकिन आफ्टरवर्ड्स ये राजा बनेंगे तो वो जो आ, हम कह सकते हैं वो

ओके नाउ वर मेनी फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधनपुरम ओके प्रतिबंधनपुरम में बहुत सारे फॉरेस्ट थे एंड दे हैड टाइगर्स इन देम और वहां पे बहुत सारे टाइगर्स भी थे अब इनका वो शुरू हो गया द सर्च टू फाइंड टाइगर्स एंड टू किल देम क्योंकि उन्हें ये एक एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया था कि टाइगर की वजह से उनकी डेथ होगी टाइगर हंट शुरू कर दिया एंड फ्रॉम दैट डे द महाराजा वाज थ्रिल्ड व्हेन ही फर्स्ट टाइगर शोड इट्स डेड बॉडी टू द स्टेट एस्ट्रोलॉजर चैलेंजिंग द प्रेडिक्शन मेड फॉर हिम और जब पहला टाइगर उन्होंने मारा तो ये उसी एस्ट्रोलॉजर के पास में जाते हैं और

यहाँ पे ये यह हो गया बात फिर द एस्ट्रोलॉजर क्लैरिफाइड एस्ट्रोलॉजर फिर से प्रेडिक्शन को क्लैरिफाई करते हैं और कहते हैं ही वुड नॉट फेस डेथ किलिंग द फर्स्ट 99 टाइगर्स बट ही शुड बी केयरफुल विद विद डीलिंग द टाइगर फिर एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर सेज दैट इट्स इट्स द फर्स्ट वन है ना पहला टाइगर तुम्हें नहीं मारेगा इवन नाइन्टी नाइन्थ टाइगर तक भी तुम्हें कोई भी किल नहीं कर पाएगा बट जो हंड्रेड टाइगर होगा उसकी वजह से तुम्हारी डेथ हो जाएगी

फोर दैट आई हैव ओनली वन दिस थिंग और मैं हंड्रेड टाइगर्स को किल करूंगा

किंग रिफ्यूज कर देता है किंग कहता है नहीं नहीं सॉरी आई कैन अलाउ एवरी थिंग बट आई डू दैट मैं ये जो रिफ्यूज करता हूं मैं तुम्हें ये अलाउ नहीं करूंगा करने देने को टू टू सेव ऑल ऑफ ऑफ देम फ्रॉम द ऑफिसर ही सेंट वाइफ एंड लर्स हर यहाँ पे ये फिफ्टी डायमंड वाले पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है दैट्स वाई आई एम से क्या करते हैं महाराजा महाराजा उनको मना करते हैं कि नहीं आप टाइगर को किल नहीं कर सकते एंड उनके रिलेशन को बचाने के लिए ताकि उन

वो उसको भी नहीं सोच रहा है एंड ही हैड पुट ऑल दैट ऑन स्टेक स्टेक उन्होंने सारी चीजें पे रख दी है बट टाइगर को तो मैं ही किल करूंगा सो इट वाज दैट करने की कोशिश की मतलब उनको बोला मतलब समझा पटा करके वैसे वाली बात हो गई ऑल्सो द किंग किंग को heftable, मतलब बहुत भारी भरकम पैसे इसके लिए पे करने ंगडम ओके एंड आफ्टर स्लिंग सेवेंटी टाइगर्स अब आ गया एक और किल कर चुके हैं सो जो स्टार्टेड विदर्स तक पहुंच चुके हैं बीच में आपको याद रखना है अबाउट द इंसिडेंट ऑफ हाई रैंकिंग ऑफिसर सेवेंटी टाइगर्स को किल करने के बाद हंड्रेड टाइगर्स तो uh, को किल करना अब उनके किंगडम में तो सारे ही खत्म हो गए सारे को ही उन्होंने किल कर दिया मार दिया तो अब उन्होंने एक्सपैंड करना शुरू करा एंड ही वेंट टू देल और वहां की uh, लड़कियों से सिर्फ शादी इसलिए करते थे यू नो दिस कल्चर वॉज वेरी मच पॉपुलर इन दैट किंगडम और uh, या फिर कुछ कोई भी परेशानी है तो उसमें जो पहले की हम बात कर सकते हैं पहले जो मैरिज और इनके सारे कस्टम्स वगैरह होते जस्ट बिकॉज टू हेल्प एंड एक तरीके का उन लोगों को क्या कह सकते हैं <coughs> उनके बीच में एक तरीके से ये अलायंस होती थी एक तरीके का अलायंस होता था कि भाई हम आपके राज, राज्य को बचा लेंगे आप हमारी बेटी से शादी कर लो एंड ऑल so सो यहाँ पे भी उसी तरीके का अलायंस देखने को मिलता है दैट जो महाराजा है वो बाकी दूसरे लड़कियों से शादी क्यों करते हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि उस एरिया में उनको पता चलता है कि देर आर सम टाइगर्स तो वो हंड्रेड टाइगर्स को किल करने के लिए ही

हंट किया होता है तो उसको एज एज ए सिंबल और एज अ साइन ऑफ समथिंग ऑफ पावर एंड लाइक दैट तो वो क्या करते हैं अपने घरों के वॉल पर लगा करके रखते हैं कि ये देखो हमने इनको किल किया इवन आपने देखा होगा कभी कभी खोपड़ा खोपड़ी भी लगा के रखी हुई होती है उन्होंने सो so दैट खोपड़ा खोपड़ी क्यों होती है कि भाई हमने इनको किल करके रखा है एंड दिस शोज हाउ पावरफुल वी आर एंड हाउ स्ट्रेंथन वी आर तो ये सारी चीजें होती थी पहले इसी तरीके से नाइनटीन नाइन्थ वाले की स्किन भी उन्होंने क्या करी थी वॉल पर लगा के रख दी थी ओके देन वट हैपेंड प्र

तो यही चीज यहां पे बताई गई है अपनीस्ट कहाड टाइगर एंड वेरी हैप्पी अब दीवान ने बता दिया कि महाराजा जी आ जाइए हम तो हंड्रेड टाइगर ढूंढ के लिए आए दीन्स अब आपका सेंचुरी हो जाएगा एंड यू विल बी देव क्योंकि आपका जो आपने सुना है हमने सुना

डर गया उस आवाज से भी डर चुका है और वो कहीं ना कहीं ऐसे क्या कहते हैं ना थोड़ा सा अनकॉन्शियस होके घिर जाता है वो अनकॉन्शियस होके टाइगर घिर जाता है वो जो है वो अनकॉन्शियस होके घिर जाता है uh, यहां पे कौन सोचता है यहां पे टाइगर को किल करने के बाद में महाराजा यानी कि नो मोर ये सोच लेता है महाराजा हो गया, हो गया। खुशी मनाने की काम को पहले पूरा कंप्लीट होने देना चाहिए बट अगर हम बात करें महाराजा की कि, टाइगर so किंग ही मच किल हंड्रेड अब उसने देखा ही नहीं कि वो मरा है कि नहीं मरा है एंड ही वॉज जॉयस लाइक वेरी चेयरफुल मूड

कौन नहीं किल कर, कर, करता है यहाँ पे महाराजा नहीं करते हैं टाइगर किंग किल नहीं करते हैं वो किल करते हैं बट वो आ, क्या हो जाए साइड से निकल जाता है वो बोलते हैं ना मौत जो है वो टक। कर गए निकल गई पड़ो पास में से वैसे वाली सिचुएशन हो गई थी टाइगर की लेकिन हंटर ने बाद में उसे किल कर दिया था हंटर यहाँ पे आपके लिए एक और क्वेश्चन होता है Then, that, 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 that टेकन इन मारा क्यों ये भी इस जरूरी था इनको मारना क्योंकि उसे वो प्रोसेशन के लिए लेके जाना था और सबके सामने उसे बरी करने वाले यानी दफनाने वाले थे

अपने सन के लिए ताकि उसके साथ में खेल सके तो वो जब खेल रहे होते हैं कौन

थोड़ा तो सा अगर ये तो मैंने बहुत बड़ी पिक्चर लगा दी है थोड़ा सा इसको एलिबरेट करने के लिए बट एक छोटा सा टाइगर जिसके साथ में वो वुडन टाइगर से खेल रहे थे उससे उनको पस भी हो गया चार दिनों में वो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा मतलब बोलते हैं ना नासूर बन चुका था उनके लिए एंड इट स्प्रेड ऑल ओवर हिज आर्म पहले हाथ से आर्म्स तक पहुंच चुका है थ्री फेमस सर्जन वर ऑल्सो कॉल्ड उनको बुलाया गया एंड दे वर कॉल्ड फ्रॉम मद्रास मद्रास से इन को बुलाया गया एंड आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन उन्होंने सब दो, ने मिलकर के आपस में बैठ के बातचीत करी और कंसल्ट करने के बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि इनका ऑपरेट कर देंगे ऑपरेशन के बाद में सब सही हो जाएगा सो आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो गया यानी नाइनटी नाइन टाइगर हंड्रेड टाइगर वॉज बाई दंटर्स एंड इवन दो आफ्टर ही टाइगर देखो सोचो कि लिखा है है वो होके रहेगा वाली बात देखो कि 100 टाइगर उन्होंने वाय जब उनको टाइगर ही नहीं चाहिए था उन्हें पता था टाइगर से उनको उनकी जान चली जा सकती है बट फिर भी ये सारी चीजें हुई तो वो जो लकड़ी का टाइगर था उसकी वजह से उनके क्या हुआ पस हो गया और वो पस इतना नासूर बन चुका था दैट सोर टर्न इन पस एंड देन इट वॉज लाइक अनक्योरेबल और सक्सेसफुल होने के बावजूद भी द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल बट द महाराजा डाइड लेकिन महाराजा की मृत्यु हो गई एंड इन दिस मैनर द हंड्रेड टाइगर रिवेंज अपॉन द टाइगर और इस तरीके से हंड्रेड टाइगर ने सारा रिवेंज ले लिया पूरी दुश्मनी निकाल दी दैट्स आई एम दैट आई ऑल्सो बिलीव एंड आई होप दैट यू ऑल्सो बिलीव दैट इफ वी डू द राइट कर्मास वी विल गेट फ्रूट है ना हमें उसका फल जरूर से मिलेगा बस आप अपने कार्य पे दैट मीन गुड डीप्स पे बिलीव कीजिए आप जो भी काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में उसमें आपका हंड्रेड परसेंट जरूर से दीजिए इफ यू आर डूंगुल प्रिपरेशन आप करते हैं तो आपको जरूर से उसके uh, हम कह सकते हैं गुड साइंस पॉजिटिविटीज उसी वक्त दिखाई दे जाती है एंड यू फील वेरी गुड वेरी गुड आप uh, किसी और को शो करने के लिए कोई काम मत कीजिए लाइक इन दिस चैप्टर आई कैन से दैट इन दिस चैप्टर लाइक किंग ओनली डिड जस्ट बिकॉज यू वॉन्टेड टू शो एवरी वन की कितने पावरफुल है वो एन और उन्हें कोई भी नहीं मार सकता और and he as well as eventually I can say that he as well as felt that uh, कि उन्हें मारना ही है because otherwise ये उनकी जान को खतरा हो सकता है but see जो चीज शन की थी वो हुई भी है एट लास्ट एक छोटा सा वुडन टाइगर लाइक वो वो सोच रहे थे असली टाइगर के बारे में लेकिन आखिरकार डेथ किसकी वजह से हो गई छोटे से वुडन टाइगर की वजह से हो गई जो कि वो अपने बच्चे के लिए खेलने के लिए सो लाइक आई आई थिंक दैट मैं सोचती हूँ टाइगर ही क्यों लेके आया है ना हमारे दिमाग में आता है ना वाई ही ओनली बट दैट टाइगर वो कोई और भी ले आ सकते थे या फिर जब उन्हें पता ही चल गया था दैट ही इज गोइंग टू बी किल्ड बाय अ टाइगर तो उन्हें कुछ अच्छे काम करने स्टार्ट कर देने चाहिए थे उसके बावजूद व्हाट ही डिड ही किल्ड 99 टाइगर्स माइट भी हो सकता है जब हम अपने अच्छे काम करते हैं तो कहीं ना कहीं जो बुरे कर्म हमने किए हैं उनको थोड़ा सा नॉट uh, हम कैंसिल uh, कैंसिल फायर नहीं तो कर सकते लेकिन हम उसको थोड़ा सा तो थो कम कर सकते हैं वैसी वाली बात है सो हेयर आई हैव टोल्ड यू द होल होल स्टोरी एंड आई होप दैट यू गॉट

ओनली ग्लोरीफाई दम सेफ खुद को बढ़ा चढ़ा करके बताने के लिए बहुत सारी चीजें कर लेते हैं इट इज फाउंड ऑफ द टाइम इंटरेस्टेड एंड बोर्ड अबाउट वर्किंग फॉर पब्लिक वेलफेयर लाइक यहाँ पे भी उन्होंने क्या किया था टेक केयर ऑफ द अदर थिंग्स तो यहां पर उन्होंने भी जो वही चीज किया था कि उन्होंने पब्लिक वेलफेयर की बात नहीं देखी कुछ नहीं देखा और उन्होंने ये जाना और ये काम करना शुरू करा जो उनके सेल्फ वर्क के लिए या सेल्फिशनेस को शो करता है राधा दे स्पेंडर टाइम इन फुलिश थिंग्स एंड यहां पर यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आती है दैट वट ही डिड दैट किसी चीज पे उन्होंने पूरी फुलिश फुलिश हरकते करना शुरू कर दिया था बट हमेशा कहती हूँ ये वन शॉट आपके लिए एग्जाम के एक दिन पहले भी देखोगे तो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट और इतना मीनिंगफुलट यू फील दैट ओके दिस दिस इज वर्दी दिस टाइम विच आई इन्वेस्टेड टू वॉच दिस वीडियो इट इज गोइंग टू बी वर्दी फॉर यू फुल आपको मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है यहां पे इवन मैंने ग्लॉसरी uh, पार्ट भी रखा है कुछ आपके लिए एमसीक्यूज भी हैं सो एवरीथिंग इज हियर फॉर यू जस्ट यू हैव टू डू प्रैक्टिस फॉर दैट कि आपने प्रैक्टिस किया है अगर आपने सुन भी लिया है एंड यू कैन मेक योर आंसर्स बाय योर ओन तो बहुत ही अच्छी बात हो गई ना सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ग्लॉसरी पार्ट ग्लॉसरी पार्ट कर लेते हैं यहाँ पे एंड आई होप दैट यू आर गोइंग टू लव दिस लव दिस सेशन डेफिनेटली इफ यू लव दिस सेशन आई हैव अ रिक्वेस्ट कि प्लीज लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिए विद ऑल द फ्रेंड्स यू हैव ताकि उनको भी हेल्प

Thank <laughs> you. मीन्स क्या होता है वाइट स्प्रेड या देन प्रवलेंट दे एक वर्ड है तमिल में यूज किया जाता है जो किसके लिए होता है चीफ या लीडर के लिए दुरई वर्ड किसके लिए तमिल में ज्यादातर यूज किया जाता है तमिल में देर आर सम वर्ड्स लाइक ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर के लिए भी लाइक like, था, था uh, पाती ये वर्ड्स बहुत यूज किए जाते हैं तापी पाती एंड था दीज आर फॉर ग्रैंड पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स के लिए यूज किए जाते हैं देन शडरिंग शडरिंग मीन्स वेम्बल विथ फियर डर से कापना दैट इज शडरिंग कॉल्ड एज फ्लॉट फ्लॉट मीन्स क्या होता है टू गो अगेंस्ट समथिंग किसी चीज के अगेंस्ट जा रहे हो यू आर गोइंग फ्लॉट देन सेपरेटिंग सेपरेटिंग मीन्स नॉट सेपरेटिंग इट्स सेपरेटिंग सेपरेटिंग मीन्स अवाउंट फुल ऑफ पस किसको हुआ था टाइगर किंग uh, को यही हुआ था सो इट इज द नेम यू हैव टू रिमेंबर मूविंग अहेड यस सो हर आर यू ऑल रेडी टू आंसर द क्वेश्चन विच आई हैव फॉर यू सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन डेफिनेटली की आप क्या रेडी है एंड इफ यू आर रेडी देन गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन आंसर देने के लिए रेडी रहिए एंड डू शर please i have this request for you dekho first first question what we have that the wooden tiger was carved by kis ka, kia gaya tha? a master craftsman an unskilled carpenter the shopkeeper himself or a british carpenter you know the answer very well that it was not crafted well humne dekha ki tarike se craft nahi gaya tha. so here that's the answer and it means what an unskilled carpenter now next one is what did the astrologer predict for the child स्ट्रॉलॉजर ने क्या प्रिडिक्ट किया दिस इज दी ओनली स्टोरी ऑल अबाउट ए बी सी डी किंग वि डाई फ्रॉम टाइगर किंग विल बिकम बिग वॉरियर किंग वि हैव ट्विन बेबीज बोथ ए एंड बी योर आंसर आर वेलकम्ड इन द कमेंट सेक्शन मूविंग अ हेड नेक्स्ट वन इज हाउ डिड द महाराजा प्लीज अ हाई रैंकिंग ऑफिसर सो चीज़ वो पॉइंट दिसर जहां पे उन्होंने अपने पूरे किंगडम को स्टेक पे रख दिया था जस्ट बिकॉज उन्हें ही को किल करना था सो so, एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड द स्टेट ऑफ प्रतिबंधनपुरम एंड सॉट परमिशन फॉर टाइगर हंटिंग फ्रॉम द महाराजा द महाराजा डिक्लाइंड हिज रिक्वेस्ट दैट मीनस ही रिजेक्टेड हिज रिक्वेस्ट एंड बट एज ही डिड नॉट वॉन्ट टू अपसेट द

इवन ऑन स्पीड आप स्पीड पे करके कर भी इसको देख सकते हैं सो गिव योर लव शाव योर लव एंड टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ डू प्रैक्टिस राइटिंग योर ओन आंसर बु बाय